मैगी है। एक और शॉप के बाहर आ गया हूँ मैं, तो ये मिठाई है बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्राचीन मिठाई है हम लोग का कोलकाता का। मेरा एक सब्सक्राइबर मिल चुका है, भैया बोल रहे हैं कि बंगला में बोलो, तो की दादा केमन आचेन अपनी कैसा लग रहा दादा। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन, कैसे हैं आप सब। तो चलो आपको बताना, मेरा बैकग्राउंड देखे तो पता चल ही रहा है मैं कहाँ हूँ, देख लो। एंड आज मैं ऐसे आया था थोड़ा सा घूमने के लिए, तो मैं बोला चलो ठीक है, एक मौका है आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने का। क्या है इधर कोलकाता का सबसे बेस्ट, यहाँ पे मेला टाइप लगा हुआ है, मतलब खाने पीने का मेला, मतलब हर जगह से अच्छा अच्छा जो भी मिलता है कोलकाता में, फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। तो चलो, लेकिन एक सैड बात है यार कि आज आप ये वीडियो देख रहे हो, कल ये खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकता, देखो मैं सेकंड लास्ट डे आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी वीडियो डालने का। आपको अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर से आना, खा के जाना। इस प्लैनेट पे ये हो रहा है, और सिम पार्क मॉल तो आपने देखा ही है पीछे, सिम पार्क मॉल जिस एरिया पे है उसी एरिया पे हो रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको दमदम में ये शॉप है, मतलब ये सारा शॉप कहीं ना कहीं लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पे एक मेला टाइप बनाया हुआ है फेस्टिवल के टाइप पे, कि जो भी है अगर लोग उतना दूर नहीं जाते हैं या कोई लोग भाई लोग नहीं जानते हैं शॉप कहाँ पर है, तो उसको यहाँ पे भी मज़ा उठाने का मौका मिलेगा। एंड अगर कोई स्पेशली जाना चाहता है तो सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एंड आपको तो दिखेगा ही, नेम टैग उन लोगों का दिया ही हुआ है कि कहाँ पे क्या शॉप लोकेटेड है कोलकाता में। चलो मैं दिखाता हूँ। टेस्ट करके देखता हूँ कैसा क्या है गाइस। ये एग वाला एग पॉप रोल है, तो चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसा क्या है। एग ही है। ऐसे बेसिकली क्या है ना, ये लोग वो फिश फिंगर टाइप कुछ होता है, वो नगेट्स टाइप का है, उसी में बस एग लगा के दे दे रहे हैं। तो सिनेमैटिक कैसा लग रहा है गाइस, जरूर से कमेंट करके बताना। देखो बहुत ही सही लेवल का फूड फेस्टिवल चल रहा है, सभी कुछ है, ये थोड़ा बंगाली टाइप का फिश एंड ऑल सारा कुछ मिल रहा है, मतलब बोल सकते हैं बाबू सॉरी, तो धक्का दे दे रहा हूँ मैं ऐसे ब्लॉग करने के चक्कर में। तो बंगाली फिश एंड ऑल ये सारा का कुछ है, मैंने आपको सिनेमैटिक्स में दिखाया ही है। चलो और भी कुछ दिखाते हैं, पान का भी यहाँ पे लगा हुआ है स्टॉल, तो चलो पान का भी स्टॉल आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो खाने का मेला में आपको बेस्ट चीज दिखाता हूँ, जो हम लोग कोलकाता का शान है, पीठे घोर।
लेके चलता हूँ आपको मैं। तो देख सकती है दादा है, और ये सारा डेमो पे लगा हुआ है सारा खाना, आप देख लो बहुत ही अल्टीमेट लेवल का खाना है। मैं तो नाम ही नहीं सुना था आधे से ज़्यादा का। कैसा क्या है बताओ कमेंट करके। आप देखो आपको मौका मिले ना मिले, लेकिन मैं इसका लोकेशन डाल दूंगा, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जितना भी मैं रिसर्च कर पा रहा हूँ और जितना भी आपको लेके दिखा पा रहा हूँ। तो जितना है ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दूंगा मैं। आपको एक बार मेन्यू का भी ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो एक और शॉप के बाहर आ गया हूँ मैं। तो ये मिठाई है बहुत, मतलब क्या बोल सकते हैं, प्राचीन मिठाई है हम लोग का कोलकाता का। तो चलो ठीक है आपको भी दिखाते हैं, नवदीप का लाल खीर दही। और ये क्या है बंगला में लिखा है, एंड ये सारा दही का लगा हुआ है, एंड ये मिठाई है, मिठाई भी आप देख लो, अल्टीमेट लेवल का शॉप है, स्वीट एंड स्नैक्स। तो चलो मैं आपको कुछ इंजॉयमेंट वाला चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा नाच गाना हो रहा है, तो चलो दिखाता हूँ, मतलब हम लोग कोलकाता का जो क्या मतलब ट्रेडिशनल डांस हो रहा है, चलो आपको दिखाते हैं। नॉइज आ रहा होगा तो ज़्यादा नहीं रख सकता, चलो दिखाता हूँ। आपको कैसा लगा डांस? देखो ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता क्योंकि ऑब्वियसली यार वो गाना डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब ये क्या है कि यहाँ पे खाना खा लो और हजम करने यहाँ पे आ जाओ, समझ रहे हो आप। तो खाना खाने के बाद हजम करने यहाँ आ सकते हो, बड़ा ही सही मसाला एंड ऑल मिल रहा है, मतलब अजवाइन एंड ऑल सारा ही कुछ देख लो, टी मसाला, छोले मसाले, सारा ही मसाला है, अजवाइन भी है। तो ठीक है ये खाओ हजम करो, बहुत ज़्यादा ही लटक पटक खा चुके हैं। और अब लेके चलता हूँ आपको मैं बहुत ही अच्छा पापड़ का शॉप। ये हम लोग का पापड़ का शॉप है भैया। क्या क्या पापड़ है, क्या क्या पापड़ है भैया? सबका, ये आलू का, ये चावल का, ये साबूदाना का, ये आलू पनीर का है। अच्छा ये आलू पनीर का है? ये आलू पनीर का है। अरे बाबा देख लो गाइस, आलू और पनीर को मिक्स करके बनाया गया है ये पास्ता वाला पापड़। तो देख लो ये सारा पापड़ है और अचार भी है। अचार तो काला काला क्या दिख रहा है, फूल का है, ये आम आम का है, इमली का है, ये इमली का है, ये बेल का मुरब्बा है, बहुत अलग लेवल का अचार है जो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा जब तक आप इधर आओगे नहीं, टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसा क्या अचार मिल रहा है। एंड पापड़ भी है और साबूदाना पापड़ भी होगा ही आपके पास, ये भी है। ये मेरा चैनल का नाम है 90s Kid Aman। देख सकते हो मेरा एक सब्सक्राइबर मिल ही चुका है, भैया बोल रहे हैं कि बंगला में बोलो। तो की दादा केमन आछेन आपनी, कैसा लग रहा दादा? भीषण भालो लागछे दादा, बहुत खुश है अचार एंड ऑल। कब से बेच रहे दादा अचार? दो तारीख से। नहीं ऐसे ये बिजनेस में कब से है? हम तो एक महीने हुआ है। शाबाश बेटा, हम तो काम करते हैं इधर। अरे काम करते हैं। तो आपका ये शॉप कहाँ पर है? केस्टो। तो बहुत ही मजा आया दादा से बात करके। तो आपने भी देखा है पापड़ का, देखो मैंने आपको क्या क्या खाना खिलाया है, मतलब खिलाया तो नहीं दिखाया है। तो मैंने आपको दिखा दिया मछली एंड ऑल, पुलाव दिखा दिया, चिकन का दिखा दिया, एग का पॉप रोल दिखा दिया, और फिर सारा डांस दिखाया है, इंजॉयमेंट भी दिखाया है, एंटरटेनमेंट भी दिखाया है। तो और उसके बाद आपको ये भी दिखाया है कि खाना खाने के बाद बदहजमी होने से कहाँ खाना है, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया। कैसा क्या लगा वीडियो गाइस बताना। तो अब यहाँ पे माहौल थोड़ा गर्म हो गया है, मैं बहुत अब ज़्यादा हो गया है। तो ठीक है अब अच्छा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, लाइक कर दो, और सपोर्ट करना चाहते हो तो शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको दोबारा से कोई अच्छा कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब करने बोलो। ठीक है तो मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। राइड हार्ट लिव फ्री।